हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थी वीर में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा शतावर चूर्ण के ऊपर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ शतावर चूर्ण के बारे में पूरी डिटेल। और हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि पतंजलि का शतावर चूर्ण आता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, और इसके क्या क्या बेनिफिट हमारे को होते हैं, और इसकी कितनी मात्रा में इसकी क्वांटिटी लेनी चाहिए, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, और इसका पूरा रिव्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं शतावर चूर्ण के बारे में, और जानते हैं शतावर चूर्ण पुरुषों के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो गाइस देखिए, शतावर चूर्ण जो होता है ना, वो औषधियों से भरपूर होता है, औषधीय गुणों से काफ़ी भरपूर होता है। शतावरी में प्रोटीन, शुगर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन, इतने सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा शतावरी में विटामिन सी भी पाया जाता है। शतावरी का सेवन करने से पुरुषों का यौन स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर होता है मेरे भाई। साथ ही शतावरी खाने से पुरुषों का मोटापा कम होता है। शतावरी पुरुषों की प्रजनन क्षमता तथा स्पर्म काउंट में बहुत हद तक सुधार करता है। अब चलिए हम इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ पाँच इसके ऐसे फायदे जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखिए, इसका पहला फायदा है कि ये शारीरिक क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। शतावरी के इस्तेमाल से पुरुषों की शारीरिक क्षमता को इतना हद तक बढ़ाया जा सकता है ना, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। देखिए गाइस, शतावरी पुरुषों के यौन जीवन पर सकारात्मक असर डालता है। रात में सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, जो शारीरिक कमजोरी को दूर करने में काफ़ी प्रभावी होता है। ऐसे में अगर आप इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं अब इसका सेकंड फायदा क्या होता है। तो गाइस, ये स्वप्न दोष जो होता है ना, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं ना जो स्वप्न दोष से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रात में निकल जाता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है। तो गाइस, इसका सेवन करने से ना, मतलब स्वप्न दोष पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और देखिए गाइस, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप कोई भी आयुर्वेदिक औषधि यूज़ करो ना, तो कम से कम 60 से 90 दिनों तक इसका यूज़ ज़रूर करें, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है गाइस, तो पुरुषों की स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा दिलाने में शतावरी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसलिए शतावरी का चूर्ण ले, और इसको किस टाइप से लेता है लेना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ी मात्रा में मिश्री मिक्स करके दूध के साथ इसका सेवन करें, तो इससे आप पाएंगे कि आपकी स्वप्न दोष की बीमारी पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने खुद ने यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ, ये काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा करती है। गाइस, अब चलते हैं हम तीसरे फायदे की तरफ। और तीसरा फायदा इसका ये है कि ये बढ़ती उम्र का प्रभाव कम करती है, यानी कि आपके चेहरे पर झुर्री आने से रोकती है, आपके चेहरे पर उम्र का प्रभाव दिखने नहीं देती है। तो गाइस, बहुत ही अच्छी औषधि है। अब चलते हैं हम इसके चौथे फायदे की तरफ, जो कि है लो स्पर्म काउंट जो होता है ना, उसको काफ़ी बढ़ा देती है। आपके स्पर्म काउंट को इतना बढ़ा देती है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो गाइस, बहुत ही अच्छी औषधि है। हम चलते हैं पाँचवें फायदे की तरफ। इसमें ना एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं, यानी कि ये कैंसर से बचाती है शतावरी। इसके अंदर एंटी कैंसर के गुण पाया जाता है, जो कैंसर की कोशिकाओं को विकसित होने से रोकती है। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम चलते हैं इसके नुकसान के बारे में कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकती है इसको लेने से। तो गाइस, आपको एलर्जी हो सकती है, या सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, खुजली हो सकती है त्वचा पर, पित्त हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, या हृदय की गति आपकी तेज़ हो सकती है। तो गाइस, ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप इसका यूज़ करना तुरंत बंद कर दें, क्योंकि ऐसा अगर आप लेते रहेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और गाइज, एक बात और, अस्थमा रोगी जो होते हैं ना, वो इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। ठीक है गाइज, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है ना, वो इसका यूज़ बिल्कुल ना करें। तो गाइज, यही था आज की वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़।